हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी तरोई की सब्जी। तो दोस्तों, तरोई की सब्जी कितनी टेस्टी बनती है आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 किलो तरोई ली है और तरोई को मैं बढ़िया से छील लेती हूँ। इसका ऊपर का छिकल निकाल देते हैं और दो एक मैंने पहले छीली है और इधर मैंने तरोई छील ली है और तरोई छील के धुल के ले आई हूँ और इसको बीच से फाड़ के देख लेती हूँ कि कीड़े तो नहीं है। तो दोस्तों, इधर मैं इस तरीके से लंबाई में काट लेती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी ग्रेवीदार बढ़िया सी तरोई और बहुत अच्छी लगती है। पूरी पराठे में खाइएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैं ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा निकाल के और बीच से फाड़ के और देख लेती हूँ कीड़े, और मैं इसी तरीके से सब तरोई काटूँगी। तो दोस्तों, मैं काट लेती हूँ और काटने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने तरोई बिल्कुल बहुत अच्छे से छीला है, ऊपर का बिल्कुल एकदम छिकला हटा दिया है और इसी तरीके से मैं सब काट लेती हूँ। तो दोस्तों, किन किन को तरोई पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इधर मैंने तरोई काट ली हुई है और तरोई एक साइड रख देते हैं और यहाँ पर मैंने 2 प्याज मीडियम साइज के काटे हुए हैं और यहाँ पर मैंने 2-3 कलियाँ लहसुन के लिए हैं और यहाँ पर मैं चॉपर पे बढ़िया से बारीक बारीक से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में बारीक बारीक से बढ़िया प्याज लहसुन कर लिया है और यहाँ पर मैं 2 ले लेती हूँ टमाटर। टमाटर मैं धुल लाई हूँ और यहाँ ऊपर का हिस्सा मैं टमाटर का निकाल देती हूँ और इसको भी मैं चॉपर में काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका भी ऊपर का हिस्सा निकाल देती हूँ, निकाल के डाल देती हूँ चॉपर में। यहाँ पर मैं काट के डालूंगी कि जिसमें कि चॉपर भी अच्छे से महीन हो जाए और मैं दोनों टमाटर काट लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों टमाटर काट लिए चॉपर में, एकदम बारीक बारीक से कर लिया और चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने तरोई प्याज और टमाटर ले लिया है, आ गए किचन में। यहाँ पर मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई और मैं डाल देती हूँ तेल। तेल को हो जाने देती अच्छे से गरम, तेल हो गया अच्छे से गरम। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्याज और लहसुन और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं तो 1 से 2 मिनट भूंजूंगी और बढ़िया से ब्राउन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज लहसुन बढ़िया से ब्राउन हो गया है और यहीं पर मैं डाल देती हूँ टमाटर। और एक बार दोस्तों, ये टमाटर डाल के तरोई जरूर बनाइए कि बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर टमाटर भी बहुत अच्छे से भूंज लेते हैं, एकदम इसका कच्चापन भी चला जाए। और यहाँ पर मेरे टमाटर बहुत अच्छे से भूंज गए हैं और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पे मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार अभी डालूंगी नमक। तो यहाँ पर पहले मैं इतने मसाले मिला देती हूँ और अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक और नमक डाल के बढ़िया से मसाले भूंज लेते हैं और 2 से 3 मिनट भूंजेंगे, मसाले एकदम बढ़िया से पक जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मसाले भी बढ़िया से पक चुके हैं और यहीं पे मैं डाल देती हूँ तरोई अपनी जो मैंने काटी हुई थी और इसको अच्छे से मसालों में मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकदम बढ़िया से मिक्स कर दिया है, पानी एक भी नहीं डाला है। और दोस्तों, पानी नहीं डाला है और मैं 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पकने देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए 10 मिनट लगा है, मेरी सब्जी एकदम बढ़िया से पक चुकी है और आप देख सकते हैं एक भी पानी नहीं डाला था, पानी कितना इसमें छूटा है तरोई में। और ये देखिए कितनी बढ़िया मेरी तरोई बन के रेडी हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। कल मिलते एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।